नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स शॉक। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का चैंपियन बनने का तमगा हासिल कर लिया है। फाइनल में 7 विकेट से जो है राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने हारा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया था और सबसे ज्यादा दर्शक आए थे, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक की मौजूदगी के बीच, अपने होम क्राउड के बीच गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल 2022 का चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया। बहरहाल, अभी सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि भाई गुजरात ने बहुत बढ़िया खेला, चैंपियन तो बन गए, लेकिन पैसे कितने मिले? तो आपको हम प्राइज मनी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का चैंपियन बनने पर 20 करोड़ की सबसे बड़ी रकम मिली है, यानी 20 करोड़ रुपए गुजरात को मिले हैं। और इसके बाद रनर अप रहने वाली टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स को 12.5 करोड़ की बड़ी रकम मिली है। तीसरे पायदान पर आरसीबी की टीम रही और इन्हें 7 करोड़ रुपए मिले, जबकि चौथे नंबर पर रहने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, इन्हें मिले हैं 6.5 करोड़ रुपए। तो यह है प्राइज मनी की पूरी लिस्ट जो कि मैंने आपको बताया। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, लखनऊ सुपर जायंट्स को 6.5 करोड़ क्योंकि चौथे नंबर पर थी, और आरसीबी को 7 करोड़, राजस्थान रॉयल्स को 12.5 करोड़, और चैंपियन रहने वाली टीम गुजरात टाइटंस को मिले हैं 20 करोड़ की बड़ी रकम। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने जीता और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल ने। जॉस बटलर ने 850 प्लस रन उन्होंने कूटे, जबकि युजवेंद्र चहल को 27 विकेट मिले। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ यानी कि स्पोर्ट्स चौक के साथ। धन्यवाद।